26 साल हो गए लेकिन ये आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। कौन सी चीज है जो इसे नहीं टूटने दे रही, इस पर गौर करें। उम्मीद नहीं टूटने दे रही इसको। आजादी की उम्मीद उसका हौसला बंधाती है। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को कोई बांध के नहीं रख सकता। उसकी बात आप तक हर हाल में पहुंचेगी। यह हौसला है कि मैं जो सोचता हूं, जो कहता हूं, वो इन दीवारों के पीछे रुकता नहीं। किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल कर लिया। तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती। लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है। और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आजाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूंगा। मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी किस्म की इंपोर्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क पर मसलत की। वो आदमी घूम फिर के सिर्फ एक बात आपको समझा रहा है, आजादी। सिर्फ आजादी, जो बुनियादी हक है हमारा, जो कभी छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जहां जहां भी मौजूद हैं, आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हिम्मत बंधा सकते हैं। लोग बोल रहे हैं, ये मौका है उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, कोशिश कीजिए। और अल्लाह ताला कभी भी कोशिश करने वालों को या आजादी के लिए लड़ने वालों को नामुराद नहीं करता। हम कर ही क्या सकते हैं, हक को पहचान के उसके साथ खड़े हो सकते हैं, जालिम के मुकाबले में मजलूम का हाथ थाम सकते हैं, अपनी दानिश में फैसला कर सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत। जो ठीक है उसके साथ खड़े हो सकते हैं, जैसे वो खड़ा है 26 साल से, उसकी हिम्मत नहीं टूट रही। वैसे भी लोग लड़ने वालों को याद रखते हैं, चाहे वो हारें या जीत जाएं। पीठ दिखाने वालों को कोई याद नहीं रखता।